हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपूर्णा। आज फ्राइडे और फ्राइडे इवनिंग है अभी, तो कल का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड किया था और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं एक साथ ही शूट किया था, पर कल का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा तो इसीलिए इस पार्ट को मैं कल के ब्लॉग में ऐड नहीं किया, तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ कुछ काम। बहुत ही अच्छा हवा आ रहा है यहाँ से, और ये सारा प्लांट मैं आज थोड़ा सा धूप में रख दिया था। धूप तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता है, तो आज तो धूप ज़्यादा नहीं था, फिर भी थोड़ा सा मैं रख दिया था। अब इसे अंदर भी रखूँगी और इसे तो यहाँ पे रखूँगी। मैं ना ये जो टब है इसे चेंज करने वाली हूँ। मैं चीनी मिट्टी का जो टब मिलता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, वही टब लेने वाली हूँ। तो इसलिए इसके ऊपर कोई कलर वलर मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चेंज करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा अच्छा मिलता है ना चीनी मिट्टी का जो टब, वो मैं लाने वाली हूँ। देखती हूँ कहाँ पे मिलता है। इसे भी यहाँ पर रख देती हूँ, अच्छा लगता है ना। सबसे बेस्ट आइडिया, कम बजट में आप अपने घर को सजाओ तो इंडोर प्लांट्स। ये मुझे 20 रुपीस में मिल गया, तो इतने कम दाम में डेकोरेशन चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, है ना। और इंडोर प्लांट्स से घर सजाने में आपका जो घर का एयर है वो भी फ्रेश रहेगा और अच्छा भी लगेगा, है ना। कंप्यूटर ऑन हो गया, काम पे बैठ जाती हूँ। प्रियांशु तो सो रहा है, चिलान गया है कोचिंग। शाम हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा नीचे गई थी तो अभी जस्ट मैं आई हूँ ऊपर। तो अभी मैं शाम के वक्त का जो साफ सफाई होता है वो सारा काम मैं कर लूँगी, और इस बेड पे बेडशीट भी मुझे बिछाना है। अभी जो जो प्लांट मैं रखती हूँ घर के अंदर, उसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि आज सारा प्लांट थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था। ज़्यादा धूप में नहीं रखती हूँ, शाम के टाइम में ही थोड़ा सा रख देती हूँ बेलकुनी में, इससे फ्रेश एयर उसे मिल जाता है। और ज़्यादा धूप में रखना भी ठीक नहीं है, और हर रोज़ पानी नहीं डालती हूँ, 3-4 दिन बाद बाद, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से इंडोर प्लांट जो है ख़राब हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, शाम हो चुके हैं, मैं दियावती भी कर लिया, और यहाँ पे डिनर के लिए मैं दोपहर में काबली चना भिगो के रख दिया, तो मैं चना बनाऊंगी और उसके साथ रोटी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ एक पॉपकॉर्न का पैकेट है, तो पॉपकॉर्न बनाऊंगी और उसके साथ थोड़ा सा ग्रीन टी बनाऊंगी। और बच्चों को दे दिया है उसका हेल्थ ड्रिंक्स, और पीछे देखिए सारा बर्तन पड़ा हुआ है दोपहर का, क्योंकि दीदी नहीं आया और आने का टाइम भी चला गया, अब और नहीं आएगा, तो ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। पहले मैं बना लेती हूँ पॉपकॉर्न, उसके बाद ग्रीन टी, तो ये सारा कुछ आराम से पीने के बाद मैं किचन का ये सारा बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं डिनर बनाने के लिए आऊँगी। मैं सीजर का काम का चीज़ हाथ के सामने में रख देती हूँ, पर कभी मेरा हस्बैंड कभी त्रिनयन लेकर चला जाता है और मुझे नहीं मिलता है। Oh.
पॉपकॉर्न रेडी हो गया और ग्रीन टी नहीं बनाया, क्योंकि हस्बैंड घर में था तब मैंने सोचा था कि ग्रीन टी बनाऊंगी, पर हस्बैंड को इमरजेंसी कॉल आ गया, वो निकल गए हैं, तो इसलिए मैं अकेले के लिए ग्रीन टी नहीं बनाया। ये देखिए यहाँ पे प्रियांशु क्या कर रहा है। यहाँ पे वो सेल्फ था जिसे मैं बेलकोनी में रख दिया, तो उसके ऊपर ये सारा सामान था, ये ड्रायर वगैरह, इसमें मैं मेडिसिन वगैरह रखती हूँ, औषध, और वो सारा यहाँ पे देखिए लेकर वो खेल रहा है। और इस शेल्फ के ऊपर जो जो डेकोरेशन आइटम था उसे मैंने यहाँ पे रख दिया, ये देखिए इसके ऊपर रख दिया सारा सामान, और इसके ऊपर जो इंडोर प्लांट था उसे मैं बेलकोनी में रख दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जाऊंगी डिनर बनाने के लिए, तो बर्तन क्लीन कर लिया, चलिए अब डिनर बना लेती हूँ। मसाला भी बना लिया, यहाँ पे जिंजर गार्लिक ऑनियन टमाटर और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया। हाँ अच्छा मासी के बुक बो। और यहाँ पे देखिए मैं वेजिटेबल कट कर रही थी, ये है कूले खाड़ा, तो बोलना हस्बैंड लेकर आया है आज सुबह, और नीचे रेड शाग लाल शाग जाके बोले। त्रिनान कोचिंग से आ गए हैं और यहाँ पे त्रिनान कर रहा है पढ़ाई। चलिए किचन में जाके फटाफट बना लेती हूँ डिनर। तो पैन में ऑयल डाल के जीरे और बे लीफ का छौंक लगा दिया, उसके बाद जो मसाला मैंने बनाया था सारे मसालों का पेस्ट डाल दूंगी, तो आप मसालों को अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। उसके बाद जीरा धनिया गरम मसाला और हल्दी पाउडर का पेस्ट घोल बना के डाल दूंगी। तो जब तक मसाला पक रहा है मैं आटा भी गूंद लूंगी, और यहाँ पे देखिए मसाला अच्छी तरह से पक गया। अब मैं चना ऐड कर दूंगी, चना ऐड करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, और साइड में मैं रोटी भी बना लूंगी। रोटी बनके रेडी और मेरा चना मसाला भी रेडी, ऊपर से मैं कसूरी मेथी डाल दिया तो रेडी हो गया चना। अब मैं डिनर भी लगा दूंगी, तो थोड़ा सा मैं सैलड बना लिया क्यूकम्बर और ऑनियन के साथ, तो डिनर सर्व कर दिया, और चना जो है आज बहुत ही टेस्टी बना था। अब हम लोग कर लेंगे डिनर। हेलो एवरीवन, हम लोग गए थे थोड़ा सा शॉपिंग, और अभी टाइम हो रहा है 2:30। जो जो हम लोग लेकर आए हैं वैसा, मतलब मेरा कुछ भी नहीं आज, सिर्फ बच्चों का, चिन्हन और पेरेंट्स का, क्योंकि चिन्हन का एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो इसलिए इससे पहले मैं बच्चों के लिए शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। आगे छिप छिप आगे देख जिनिस खोला जाए, हमें दर्द देखी नहीं। ये देखिए ये है प्रियांशु का एक सेट, पैंट नहीं है पैंट रखा शॉर्ट पर, ये है प्रियांशु का, मैं बहुत जल्दी में दिखा रही हूँ, छोड़ो पीछे कैमरा आंटी। ये है पैंट, और ये है एक्साइटेड जैकेट और शर्ट, और एक पैंट है, एक पैंट को तो देखा, और चिनान का ये एक शर्ट, ये दो टी शर्ट चिनान का, ये एक टी शर्ट उसका, और ब्लैक पैंट के साथ ये टी शर्ट पैंट देख रहा है कि लेट हुआ या नहीं, क्योंकि हस्बैंड का बहुत जल्दी है, उसका काम है, इसलिए वहाँ से ट्रायल देकर हम लोग लेकर नहीं आ पाए हैं। और ये पैंट ये प्रियांशु का, तो यही सिर्फ शॉपिंग किया आज, और कुछ नहीं, आगे जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं जाऊँगी वीडियो पब्लिश करने के लिए, वीडियो अपलोड पर बिठाऊँगी, तो चलिए बाय, मैं बाद में मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय। अभी हम लोग लंच करेंगे तो बाद में मिलती हूँ। अभी शाम का टाइम है, मैं थोड़ा नीचे जा रही हूँ, तो इस ब्लॉग को भी करूँगी एंड। कल शाम से स्टार्ट किया था और आज शाम मतलब आज टाइम हो रहा है यहाँ पे देखिए 8:30, तो रात ही बोल सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगी, कुछ काम है, और एक न्यूज़ देना है आप सबको, मेरे चैनल को स्टोरीज टैब मिल गया, जैसा कम्युनिटी टैब होता है वैसा ही स्टोरीज टैब, यहाँ पे मैं मेरा अपडेट डाल सकती हूँ, पिक्चर डाल सकती हूँ, सब कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये 2-3 दिन पहले मेल आ चुके थे, 2-3 दिन या शायद उससे भी ज़्यादा पहले, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले ही मेल चेक किया, और मेल का डेट टाइप कुछ भी नहीं चेक किया, तो
उसके बाद आज डालूंगी, कल ऐसा हो रखा था। पर थोड़ी देर पहले मैं स्टोरी में एक छोटा सा पिक पोस्ट किया, तो जरूर चेक कीजिएगा। यही एक न्यूज देना था, तो यही एक न्यूज आप सबको देना था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और मेरे ब्लॉग के साथ रहिए। और अभी तक अगर जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, विदाउट सब्सक्राइब मेरे चैनल को वॉच करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फैमिली का मेंबर बन जाइए। और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो बाय एंड गुड नाइट।